हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस सभी को आ रही है बेटा? गुड इवनिंग राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस सभी को आ रही है? जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, फटाक से जल्दी। आज हमारी क्या है, एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? वॉइस वीडियो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी? चलो भाई, बाबू सोना क्यों कर रहे क्लास में? देखो हमारी क्लास में बाबू सोना नहीं करना, ठीक है? बाबू सोना जादू टोना कुछ नहीं करना हमारी क्लास में, समझ रहे हो? ठीक है, बाबू बाबू कर रहे हो तो क्लास में। विद इन 2 मिनट्स में आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? सर मेरा टेस्ट अपलोड नहीं हो रहा है। जिसका टेस्ट अपलोड नहीं हो रहा है, एक बार आप अपना फोन रिस्टार्ट करके देख लो बेटा, ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देख लो, अभी ये ही कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चों का बहुत, मतलब कि बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, 2 या 4 बच्चों ने टेस्ट अपलोड किया है अभी तक। मुझे लगता है कि रात को 12 बजे तक आप अपलोड करेंगे, नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान आपका, मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है? ठीक है जी, चलो। जिस बच्चे को टेस्ट अपलोड करने का नहीं पता, उसको टेस्ट अपलोड करने के बारे में बता देते हैं हम। यहाँ पे सुनो हमारी बात ध्यान से। देखो अभी अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, जो कि मैं इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और बच्चे कोई जुड़ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जो जुड़े हुए हैं उनके लिए एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो अभी क्या चल रहा है, इस सेमेस्टर का अंतिम पड़ाव चल रहा है, ठीक है? हम लोगों को सबसे पहले तो जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है वो सुन लो, वीकली टेस्ट कैसे देना है, वीकली टेस्ट कैसे देना है, जल्दी ध्यान से सुनो। देखो तीन कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारा, डिजिटल कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स एंड मास्टर कोर्स। डिजिटल कोर्स के अंदर आपको वीकली टेस्ट कहाँ मिलेगा, अपने सबसे पहले कहाँ जाना, कंटेंट के अंदर जाना। कहाँ जाओगे सबसे पहले, कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर जाने के बाद में आपको नवंबर दिसंबर के नाम से बेटा एक फोल्डर मिलेगा। नवंबर दिसंबर के फोल्डर में जाने के बाद आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इस नाम से फोल्डर। तो आपको वीकली टेस्ट वाला फोल्डर ओपन करना है, वीकली टेस्ट वाला फोल्डर ओपन करना। वीकली टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर आपको 4 फोल्डर मिलेंगे, एचएपी, एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एंड आपका फार्मास्यूटिक्स। तो आपको जैसे मान लो एनालिसिस का वीकली टेस्ट देना, क्योंकि इस वीक आपका एनालिसिस और इनऑर्गेनिक का वीकली टेस्ट हुआ है, तो आपको एनालिसिस का वीकली टेस्ट देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस वाले फोल्डर को ओपन करो, ठीक है? एनालिसिस वाले फोल्डर को ओपन करो, और एनालिसिस वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद में वहां पे आपको टोटल टेस्ट 5 दिखेंगे। तो आपको बेटा वीकली टेस्ट नंबर कौन सा अटेंड करना है, 5 अटेंड करना है, जिसके आगे डेट मेंशन होगी 10/12/2022, ठीक है? ये वाला टेस्ट आपको अटेंड करना है। ऐसे ही क्रैश कोर्स वाले सबसे पहले अपना कंटेंट के अंदर जाए, ठीक है? क्रैश कोर्स वाले सबसे पहले कहां जाए, अपने कंटेंट के अंदर जाए, कंटेंट के अंदर, ठीक है? कंटेंट के अंदर जाने के बाद में बेटा आपको लाइव क्लासेस एंड वीकली टेस्ट आपको फोल्डर मिलेगा, लाइव क्लासेस एंड वीकली टेस्ट के नाम से, वीकली टेस्ट के नाम से, ठीक है? उसको ओपन करना। 4 फोल्डर में वहां पे आपको क्या रहेंगे, लाइव क्लासेस के नाम से, वीकली टेस्ट के नाम से फोल्डर रहेगा, ठीक है, और मंथली टेस्ट के नाम से। तो वीकली टेस्ट को ओपन करना, वीकली टेस्ट को ओपन करना, एंड वहां पे एनालिसिस का टेस्ट देना है तो एनालिसिस के फोल्डर पे क्लिक करना, और देन वहां पे वो ही आपका टेस्ट नंबर, वीकली टेस्ट नंबर 5/10/12/2022 करके लिखा होगा, ठीक है? वीकली टेस्ट नंबर 5, ठीक है? 5/5 ही आपका इनऑर्गेनिक का है वीकली टेस्ट, या 5/5 ही आपका एनालिसिस का है, ठीक है? और उसके आगे डेट लिखी होगी ऐसे ब्रैकेट में, डेट क्या लिखी होगी आपकी, 10/12/2022, ठीक है? ये टेस्ट आपको अटेंड करना है। मास्टर कोर्स वाले कैसे अटेंड करेंगे,
मास्टर कोर्स वाले सेम एज इट इज, मास्टर कोर्स वाले सेम एज इट इज स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे ये डिजिटल कोर्स वाले हैं। अपने कंटेंट के अंदर जाएंगे, वहां से अपना नवंबर दिसंबर वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। नवंबर दिसंबर के अंदर आपको चार फोल्डर मिलेंगे, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड लाइव क्लासेस नोट्स के नाम से। तो वहां पे वीकली टेस्ट वाले फोल्डर को ओपन कर लेना, और वीकली टेस्ट वाले फोल्डर को ओपन करने के पश्चात, ये हमारे साथ यह क्या हुआ, कुछ दुर्घटना घटी है हमारे साथ, बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। चलो क्या करना, वीकली टेस्ट वाला फोल्डर ओपन करना, एनालिसिस वाले फोल्डर को ओपन करना, और वहां से डेट मेंशन होगी आपके टेस्ट नंबर 50 है एनालिसिस का भी और इनऑर्गेनिक के भी, टेस्ट नंबर 5, और वहां पे आपका डेट मेंशन है क्या, 10/12/2022। ऐसे आपको अपना टेस्ट अटेंड करना है। सर अनइंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड लेक्चर डिलीट हो जाएंगे ना सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे करना, ये बात समझ में आई? तो जिसने टेस्ट अपलोड कर दिया अच्छी बात है, जिसने टेस्ट अपलोड नहीं किया वो टेस्ट अपलोड कर देना। ये स्टेप फॉलो करके आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, ऐसे आपको टेस्ट मिल जाएगा जिस बच्चे को टेस्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, और आप अपना टेस्ट अपलोड कर सकते हैं। सर मेरा टेस्ट अपलोड फेल हो गया। फेल हो गया तो गलती उसमें आपकी है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का फेल हो सकता है, दोनों का नहीं होगा, तो दूसरे का देके देखो, ठीक है। और मत दो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट डेट कि आप टेस्ट दो या ना दो, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया। चलो कैथार्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। कैथार्टिक्स के हम लोगों ने सोडियम अपना क्या मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ लिया था, सोडियम फॉस्फेट अब हम लोगों को डिस्कस करना था कैथार्टिक्स के अंदर, राइट। तो क्या हो गया, हमने डिजिटल कोर्स की बात की है बेटा, ठीक है। हाँ कर लेना यार, 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक कर लेना। अभी 9:16 हुई है, रात को 12 बजे तक अपलोड कर सकते हो, ठीक है जी। चलो कल क्लास आप लोगों की, बेटा कल आप लोगों की क्लास, आई होप सो निकिता मैम भी आप लोगों की कल क्लास लेगी, और मैं भी क्लास लूंगा, ठीक है। मेरी क्लास आप लोगों की कल 2 से, मेरी क्लास कल आप लोगों के लिए 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी, 2 से 3 घंटे क्लास रहेगी कल, वन शॉट क्लास रहेगी, ठीक है। इस क्लास को हम दो पार्ट में कैसे करेंगे, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट हम लोग एक शॉट में करेंगे। उसके बाद में हम लोग 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्लास लाइव चलती रहेगी, ऑफ नहीं होगी। 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का ब्रेक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, बस 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद देन हम लोग 1.30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर जो तुम्हारे में दम रहा तो आगे भी कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अगर जो तुम लोगों में दम रहा तो इसको क्लास को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और जो ये क्लास होगी तुम्हारी कल, इसकी टाइमिंग अपलोड करा दी जाएगी, इसकी टाइमिंग अपलोड करा दी जाएगी कि किस टाइम से क्लास होगी, टाइमिंग अपलोड ग्रुप में हो जाएगी। ग्रुप में एक्टिव रहना, ठीक है, ग्रुप में एक्टिव रहना। अभी शाम को या फिर कल मॉर्निंग तक तुम्हारे ग्रुप में टाइमिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट किसी का भी अपलोड नहीं हो रहा क्या, तो हद की बात है। जिस बच्चों ने अपलोड कर दिया उनका कैसे अपलोड हो गया यार,
मुझे तो ऐसे ही लगेगा कि तुम लोग रीजन बना रहे हो, बहाने बना रहे हो कि टेस्ट अपलोड नहीं हो रहा। वन टाइम अटेम्प्ट रहता है टेस्ट अपलोड होने का, ठीक है, एक बार यूज किया नहीं अपलोड हुआ तो वो फिर दोबारा ओपन नहीं होता। वो ओपन होगा तो बार बार बग दिखाएगा, भाग जाएगा ओपन होकर के, या फिर कुछ भी होगा। एक बार ओपन होता है, वन टाइम अटेम्प्ट लिखा रहता है वहां पे। हाँ 2-3 घंटे पहले बता देंगे, टाइम टू टाइम नहीं बताएंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। चलो सोडियम फोस्फेट, सोडियम फोस्फेट क्या होता है हमारा? सोडियम फोस्फेट इज ऑल्सो नोन एज फोस्फो सोडा। हमारा सोडियम फोस्फेट क्या कहलाता है? हमारा फोस्फो सोडा भी कहलाता है। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? हमारा Na3PO4। फॉर्मूला क्या रहेगा सोडियम फोस्फेट का? Na3PO4, ठीक है। दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अवर सोडियम फोस्फेट, ठीक है जी। चलो सोडियम फोस्फेट हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला हमारा ये है, इज अ स्लाइन कैथार्टिक्स दैट इज फैमिलियर टू रेडियोलॉजिस्ट सिंस इट इज ऑफन यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट प्रायर टू द डबल कंसर्ट बैरियम एनीमा। देखो मेन फोकस कहाँ करना? फॉर्मूले पे, जिस चीज को मार्क कर रहा। ये हमारा क्या है? स्लाइन कैथार्टिक्स है। हमारा कैसा कैथार्टिक्स है? सेलाइन क्रा कैथार्टिक्स है, ठीक है। यहां तक बस इसकी डेफिनेशन याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। स्लाइन कैथार्टिक्स है तो इसका मतलब क्या है? सेलाइन क्रा कैथार्टिक्स है तो अब इसका मतलब क्या हुआ बताना जरा? अगर जो हमारा स्लाइन कैथार्टिक्स है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या करेगा ये स्लाइन कैथार्टिक्स? किसका एग्जाम्पल था हमारा? किसका एग्जाम्पल था? परगेटिव का एग्जाम्पल था ना। तो परगेटिव में स्लाइन क्या करता है, क्या खोज करेगा ये बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो क्या खोज करेगा ये स्लाइन कैथार्टिक्स? ओस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड प्रशांत। परगेटिव खोज करेगा क्या है? परगेटिव खोज करा रहे हो इससे? स्लाइन कैथार्टिक्स क्या खोज करेगा हमारा? स्लाइन कैथार्टिक्स हमारा ओस्मोटिक प्रेशर कोज करेगा हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि कि हमारा क्या हो, स्पेस क्या हो जाए, ब्रॉड हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, और हमारा क्या जो स्टूल है वो बॉडी से एक्सीट आउट हो जाए, ताकि कि हमारा क्या, हमारा बेसिकली जो क्लीनिशिंग एजेंट की तरह हमारा वर्क फंक्शन करता है हमारा, ठीक है जी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। देखो यहां से आप हमारा अपने मेन इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से लिखना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड अंडर कंट्रोल कंडीशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। हम लोग क्या न्यूट्रलाइजेशन करेंगे किसका? फॉस्फोरिक एसिड का। अब देखो हमारा फॉस्फोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है, राइट, इसमें तो बताने वाली बात नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? NaOH, और OH कंटेनिंग ग्रुप है, मतलब हमारा क्या है ये बेस है। तो हमारा एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं हमारे, कौन सी रिएक्शन करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड बेस साइट्रेशन के अंदर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यस और नो? बेटा अगर जो आपने आज से क्लास ज्वाइन किया, आप टेस्ट मत देना, टेस्ट मत देना आप, क्योंकि आपने आज से क्लास ज्वाइन की, ठीक है। अगला वीकली टेस्ट देना, ये वाला वीकली टेस्ट मत देना, अगला वीकली टेस्ट देना, पढ़ा था ना, ठीक है। तो हमारा क्या करेगा ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारी। न्यूट्रलाइजेशन होगा किसका हमारा? फोस्फोरिक एसिड का। किसके अंडर द कंट्रोल कंडीशन, और कौन सी कंट्रोल कंडीशन में? किसके साथ में हमारी? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आ जाएगा सोडियम फोस्फेट क्रिस्टल्स आर द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, येट देयर इज ब्रॉड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरिक पोटेशियम फॉस्फेट बफर एंड ब्लेंड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। इस पॉइंट को रहने देना, तुम्हें कंफ्यूजिंग करेगा, रिएक्शन भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ब्रॉड रिएक्शन हमारी, ठीक है, इस पॉइंट को रहने देना। अदरवाइज यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो सोडियम फॉस्फेट है, जो हमारा क्या है सोडियम फॉस्फेट है, यानी कि Na3PO4 जो हमारा है सोडियम फॉस्फेट है, वो मोस्ट वाइडली हमारा किसके साथ में हमारा यूटिलाइज होता है? किसके साथ में हमारा? पोटेशियम फॉस्फेट के साथ में, पोटेशियम फॉस्फेट के साथ में, ठीक
ठीक है, जो कि हमारा क्या एज एन हम इसको बफर यूज करेंगे यहाँ पे। अब बफर का मतलब क्या है कि जो इसके पीएच को क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, क्या करके रखेगा इसके पीएच को मेंटेन करके रखेगा। एंड ब्लेंड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यहां से हमारे कौन से आयन्स बनेंगे, और सोडियम आयन्स बनेंगे यहां से, और हमारा पोटेशियम आयन बनेंगे यहां से, ठीक है। पोटेशियम फॉस्फेट से पोटेशियम आयन बनेंगे, और हमारा सोडियम फॉस्फेट से हमारे फॉस्फेट आयन्स बनेंगे, सॉरी सोडियम आयन्स बनेंगे, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप हमारे यहां से कॉमन होकर के रिमूव आउट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमारा देखो मेन कंपाउंड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंट्रेंट्स आर फॉर्मुलेटेड इन सोडियम फॉस्फेट बफर, जो हमारे मेन कंपोनेंट्स है फार्मास्यूटिकल के अंदर, वो किसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे हमारे, इसके साथ में सोडियम फॉस्फेट बफर के साथ में, किसके साथ में सोडियम फॉस्फेट बफर, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे अपना, ठीक है जी। सोडियम फॉस्फेट से आपका क्वेश्चन बेटा बहुत कम पूछा जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है सोडियम फॉस्फेट। इससे नेक्स्ट टर्म कैल्विन और बेंटोनाइट, कैलोइन और बेंटोनाइट, वो दोनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, अदरवाइज कैथार्टिक से क्वेश्चन पूछेगा तो मेनली आपका कैलोइन और बेंटोनाइट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है बेटा। ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए हो, बेटा ग्रुप में आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गए, आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक पर्पस रहती है, आप एप्लीकेशन पे ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो। देखो हमारा सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Na3PO4, डेंसिटी क्या रहेगी हमारी इसकी 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, 163.94 ग्राम पर मोल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक और कंपाउंड का, बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक और कंपाउंड का 100 डिग्री सेल्सियस होता है किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक और कंपाउंड का 100 डिग्री सेल्सियस होता है किसका होता है बताना जरा। मेल्टिंग पॉइंट 1583 डिग्री सेल्सियस, और केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, Na3PO4 ही है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। बॉइलिंग पॉइंट एक और कंपाउंड का 100 डिग्री सेल्सियस होता है किसका होता है बताना जरा, कौन बताएगा, H2O सबसे पहले किसका आंसर है, प्रशांत का, प्रशांत आजकल लाइव क्लास में रॉकिंग है, प्रशांत टॉप पे है, सबसे पहले आंसर प्रशांत का आता लाइव क्लास में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी सोडियम फॉस्फेट की, Na3PO4 की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, देखो हमारा कलर कैसा रहेगा, हमारा सॉरी इसका ऑर्डर कैसा रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगा, यानी कि गंधहीन रहेगा, कोई भी स्मेल नहीं आएगी इसमें से, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे हमारा अपीयरेंस क्या रहेगी, ऑफ व्हाइट पाउडर, कैसी रहेगी अपीयरेंस इसकी, ऑफ व्हाइट पाउडर रहेगा, मतलब क्या व्हाइट पाउडर रहेगा। हमारा क्या है कोवलेंटली बॉन्डेड यूनिट कितनी रहेगी, कोवलेंट बॉन्ड कितना फॉर्मेशन करेगा, हमारा चार कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, 36.8 रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कितना रहेगा, चार, क्योंकि चार कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने एक्सेप्ट कर सकता है, चार, क्योंकि चार बॉन्ड चार वैलेंसी क्या रहेगी, खाली रहेगी, ओके। सोल्युबिलिटी किसके अंदर, हमारा वॉटर के अंदर क्या है, सोल्युबल है, यानी कि घुलनशील है, किसके अंदर हमारा वॉटर के अंदर। दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम फॉस्फेट। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्डरलेस है, दूसरा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा ये सोल्यूबल है किसके अंदर, वॉटर के अंदर, ऑर्डरलेस हो गया, वॉटर के अंदर सोल्यूबल हो गया। जो इसके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, कितने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, चार, और इसी वजह से क्या हाइड्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं इसके साथ में जाकर के, चार। तो ये चार प्रॉपर्टीज आप इसकी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिन पर मार्क कर रहा हूं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगर जो आप याद रखने जाते हो तो इसका ये अपीयरेंस भी याद रख सकते हो, ऑफ व्हाइट पाउडर रहता है हमारा ये, कैसा पाउडर रहेगा, ऑफ व्हाइट पाउडर। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट छूट गई है तो एक्स्ट्रा क्लास कब होने करना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट छूट गई है तो कोई बात नहीं, उसको खबर कराने की हम जिम्मेदारी लेंगे, छूट तो आपकी थर्ड यूनिट भी गई है, क्योंकि थर्ड यूनिट भी अंतिम पड़ाव पे चल रही है, ठीक है। तो पर लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेने का, जो भी बच्चा ज्वाइन होता है मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा जहां से जो टॉपिक चल रहा है वहां से पढ़ो, पीछे पिछले के चक्कर में आगे आगे का भी खराब हो जाएगा।
जैसे बोलते हैं ना कि बीते हुए कल के चक्कर में आने वाला कल खराब ना कर, मुसाफिर चल बस आगे बढ़ता चल। ठीक है, तो पीछे जो छूट गया, पर लेकिन आगे वो वक्त भी आएगा कि जब तू पीछे वाला भी दोबारा से दोहराएगा इन द रिवीजन क्लास। ठीक है, ये तो शायरी सी हो गई, शायरी मार दिया तुमने। शायर तो नहीं पर शायरी मार देता हूं कभी कभी। अमन गुप्ता आप भी नहीं रेस्टोरेंट हो गया? ठीक है चलो, हमारा देखो सबसे मेरे को केमिस्ट्री के अंदर ना सबसे बोरिंग पार्ट लगता है कि जब थ्योरी बतानी पड़ती है, पर केमिस्ट्री के अंदर जब ये आ जाती है ना, ये आई फील लाइक दैट प्यार नोट आया हमारा, हमारी बहार नोट आई। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो केमिस्ट्री अधूरी है, जैसे एक गुलाब के फूल के बिना एक लव स्टोरी अधूरी है, ऐसे इस रिएक्शन के बिना हमारी केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक है चलो, अच्छा हम शायरी बहुत अच्छी करते हैं, चलो अच्छा लगा, मुगैम्बो खुश हुआ ये बात जानकर कि आपने हमारी एक और कला को नवाजा। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ मजाक से हटके इधर आ जाओ। हमारा सोडियम फॉस्फेट सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। सोडियम फॉस्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। अब देखो सोडियम फॉस्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सबसे पहले तो हमारा क्या बनेगा, एक तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे NaCl जरूर बनना चाहिए, क्योंकि सोडियम भी है भाई हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास में Cl भी है, तो NaCl मिलके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, पहला तो कंपाउंड हमें ये मिलना चाहिए सोडियम क्लोराइड, बचे कुचे को निकाल दो। चलो आ जाओ, देखो सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, दिस केमिकल रिएक्शन इज गिवन बिलो। ये रही हमारी रिएक्शन, चलो हम लिख के बता देते आपको, हम आपको लिख के बताते हैं। देखो सोडियम फॉस्फेट लो Na3PO4, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा सोडियम फॉस्फेट की तो रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा भाई, शादी करने जा रहे हो तो दूल्हे को तो लेके जाओ भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम बारात ही चलेगा और दूल्हे को लेके नहीं गए, तो भाई दूल्हे को तो लेके जाओगे ना, तो सोडियम फॉस्फेट की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो तो सोडियम फॉस्फेट को तो लेके जाओगे ना, लिख लिया। चलिए रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब शादी किसके साथ हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। चलो करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ले आओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है, अब देखो यहां से हमारा क्या है, इस पे फोकस करो, सोडियम हमारे पास में कितने हैं, सोडियम हमारे पास में कितने हैं, 3। ठीक है, अब हमें पता है कि सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो बात आनी चाहिए कि सोडियम क्लोराइड हमें बनाना ही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना दो, NaCl बना दो। ठीक है, अब क्या है कि Na हमारे पास में 3 है, तो Cl भी 3 होने चाहिए, तो यहां पे 3 लगा दो, 3 NaCl निकाल दो। ठीक है, तो हमारा Na चला गया और Cl चला गया, बचा क्या, H3 बचा और PO4 बचा, H3 और PO4 बचा। ये भी हमारा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ऐसा नहीं है कि H3PO4 नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, H3PO4 नाम का कंपाउंड होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, वो बन गया। बताओ अरे यार मेरे चांद, इधर जब तक कोर्स चलेगा ना, जब तक पेपर नहीं खत्म होंगे तब तक ज्वाइन होना क्लास में। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आई। बेटा नोट कर लेना, लेक्चर अपलोड हो जाते हैं, हम निर्दय नहीं है, हम सहज दिल इंसान है, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, यहां बस केवल समझो, लिखने पे मत फोकस करो, लिखते बाद में रहना। ये रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई, ये बात बताने का जल्दी से।
यस सर। यार तुम 15-15 मत गाओ यार, तो 15-15 मत गाओ। अभी क्लासेस चल रही है ना, बंद तो नहीं हुई। जिस दिन क्लास बंद होगी ना, नंबर है ना मेरा, पर्सनल नंबर है ना, कॉल कर करके परेशान कर देना, मेरी नींद हराम कर देना अगर तो तुम्हारी क्लास बंद होगी। बताओ, तुम्हारा कोर्स एक्सपायर हो जा रहा है उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, पर लेकिन आज अब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हुए थे तब तक क्लास नहीं बंद होने दूंगा, चाहे कोई पुराना बच्चा हो चाहे कोई नया बच्चा हो, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तबियत बिगड़ गई या फिर कुछ हो गया तो अलग बात है, मेरी टीचरों की क्लास चलती रहेगी। तुम लोग टेंशन इतनी ले लेते हो, पता नहीं किस चीज की टेंशन है। चलो अब देखो, यहां पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हमारे किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ में करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। अब एक बार जल्दी से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिख के बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देख लिया देख लिया, ठीक है, CaCO3, ठीक है, पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, CaCl2 के साथ में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, हम तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलो, सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहां से हमारा देखो, कैल्शियम हमारा सोडियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड हमारा आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो ये देखो इन दोनों का क्या क्या आपस में, कौन कौन आपस में करेगा जोड़ा, कौन कौन बनाएगा। देखो, इसका सोडियम, इसका क्लोराइड, इसका फॉस्फेट, इसका कैल्शियम, तो आपस में मिलकर क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट सोडियम क्लोराइड बना दो। Na3 हमारा क्या रहेगा, मैं लिख देता हूं Na3 PO4, ठीक है, हमारा क्या है, ये सोडियम फॉस्फेट है। ठीक है, हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 है, CaCl2। अब देखो बात क्या आई, हमें क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बेटा बनाने के लिए हमें जरूरी क्या आवश्यकता है, कि हमारे क्या है, Na के कितने, 3 है, चलो Na और Cl, ठीक है, Na3 है और Cl2 है, तो हम लोग इनको बैलेंस करने के लिए 3 कितने जा, जो मेरा 3 के टेबल में भी आए और 12 के, सॉरी 2 के टेबल में भी आए, ऐसी लोएस्ट टर्म जो हमारी 3 के टेबल में भी आए 2 के टेबल में आए, मतलब क्या होती है, 6 6 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो इसको कर दो। यहां पे क्या करोगे, 2 3 6 और 3 2 6, 2 3 6 और 3 2 6। रिजल्ट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था NaCl, ठीक है, तो हमारा कितना मॉलिक्यूल्स निकलेंगे NaCl के, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, क्या निकला यहां से, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब हमारे पास में हमें क्या बनाना है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है, क्या बनाना है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब फॉस्फेट के कितने आयन है, 2, कैल्शियम कितने है, 3, यहां से हमारा निकल जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अरे यार, मतलब ये हमने तुमसे यहां से मजाक से हटके क्वेश्चन पूछे, तुम तो मुंह बनाने लगे यार, है ऐसे नहीं करो, इधर देखो यार, हमने जानबूझ के इसको क्वेश्चन, ये नाम कुछ और पढ़ा ताकि कि तुमसे फॉर्मूला पूछ सके, और तुम कम, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते ना कि कंफ्यूजन में यही आंसर कर देते, ठीक है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में यही आंसर कर देते। ऐसा होता है, और हमने यही करना चाहा पर तुम लोगों ने नहीं किया। ये रिएक्शन समझ में आई बेटा या नहीं आई, यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन, ये वाली रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो।
आ गई, क्लियर। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही ना? क्लास बोरिंग सी तो नहीं लग रही, या फिर कुछ मतलब कि मजा सा तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा हो रहा है कुछ? एक बार और बतानी है? चलो सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या लिया, देखो हमने क्या, हमारे रिएक्शन किस किस में, कैल्शियम क्लोराइड और हमारा सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन कराना। सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, Na3PO4, ठीक है। और हमारा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहता है, CaCl2, ठीक है। अब देखो लिखो यहाँ पे Na3PO4 और हमारा क्या रहेगा, CaCl2, ठीक है। अब देखो हमारे पास में Na भी है और Cl भी है, मतलब क्या बनेगा, NaCl बनेगा। चलो बना दो NaCl। अब देखो अब इनकी वैलेंसी हमें पूरी करनी है, यहां पे 3Na है, यहां पे 2Cl है। अब दोनों को बराबर करना है कि भाई देखो, या तो तुम इसको 12 तक भी लेके जा सकते हो कि भाई 12 भी 3 के टेबल में भी आता है सर, और 2 के टेबल में आता है, तो उसका फायदा क्या, कोई फायदा नहीं। 12 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, पर उससे लोवेस्ट क्या टर्म आती है, हम लोग देखते हैं कि लोवेस्ट टर्म क्या देखते हम लोग, लोवेस्ट टर्म। तो लोवेस्ट टर्म क्या आती है दोनों के टेबल में, 6, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 3 6 और 3 2 6, तो मेरे यहां से कितने 6 NaCl मेरे यहां से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, 6 NaCl बाहर आ गए, प्लस सोडियम क्लोराइड निकल। अब क्या बचा मेरे पास में, कैल्शियम बचा और फॉस्फेट बचा, तो यहां से क्या बनेगा मेरा, कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 का होल टाइम्स, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। देखो PO4 है, जो PO4 टू मॉलिक्यूल्स है, तो PO4 के टू मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम के तीन है, तो Ca3PO4 का होल टाइम्स। अभी क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 अगर तो शुरू से पढ़नी है तो यूट्यूब पे अभी यूनिट नंबर 1 चल रही है, वहां पे अभी कवर कर लो, ठीक है। और फिर रिवीजन क्लासेस में जब अभी आप लोगों की दोबारा से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी ना इस बैच की, तो वहां पे फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी से बीच से छोड़ के चला जाऊंगा तो बच्चों का लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो फिफ्थ यूनिट तक कंप्लीट कर लो इसको, फोर्थ यूनिट नहीं चलेगी, अगला टॉपिक आपका एंटी माइक्रोबियल न्यू टॉपिक है, तो वहां से आप ये न्यू टॉपिक्स जो चल रहे हैं कवर कर लेना, और साथ ही में जब रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी वहां से आप लोग अपनी फर्स्ट यूनिट से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड होके लाइव क्लासेस अपलोड है, इफ यू आर कैपेबल देन उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी रिएक्शन क्लियर है, किसका डाउट था, किसका डाउट था रिएक्शन में, अभी क्लियर है? इसका डाउट था अभी, क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो। चलो अब देखो हम लोगों ने हमारा हमारा सोडियम फॉस्फेट किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, कैथार्टिक्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, कैथार्टिक्स के अंदर। कैथार्टिक्स का हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग बेसिकली GIT ट्रैक को क्लीन करने के लिए हम लोग बेसिकली हमारा कैथार्टिक्स का यूज करते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए हमारा यूज करते हैं, ठीक है, सर्जरी से पहले। तो आप लोगों को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपके यूजेस के अंदर आपको सर्जरी, लग्जेटिव सर्जरी, परगेटिव, इस तरीके के वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे शॉर्ट टर्म लोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंफ्लामेशन विद नियोसिन एज बैक्टीरियल प्रोपाइलेक्सिस, ठीक है। देखो प्रोपाइलेक्सिस, नियोसिन जो हमारा क्या है, जब हमारा क्या है लोकली हमें ट्रीटमेंट करना हो किसका, इन्फ्लामेशन जब हमारी हो जाए किसकी, नियोसिन के साथ में, किसकी हमारी, बैक्टीरियल प्रोपाइलेक्सिस की, हमारा क्या एक हमारा प्रोपाइलेक्सिस हमारा क्या एक तरीके का बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल प्रोपाइलेक्सिस के साथ में जब नियोसिन क्या कर दे, इन्फ्लामेशन कोज कर दे, उस टाइम पर हमें शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किसको देते हैं, हमारा सोडियम फॉस्फेट को यूज करते हैं।
नेक्स्ट यूज यूज्ड आफ्टर ग्लूकोमा सर्जरी और आफ्टर कर्टिकेट सर्जरी। ठीक है, हमारे देखो ग्लूकोमा सर्जरी के बाद में, ग्लूकोमा की सर्जरी के बाद में हमारा क्या कैटरेट की हमारी सर्जरी के बाद में आफ्टर दिस सर्जरी हम किसको यूज करते हैं, हमारा हमारा बेसिकली, अरे एक सेकेंड सॉरी, हम लोग किसको यूज करते हैं, हमारा सोडियम फॉस्फेट को यूज करते हैं। ठीक है, हमारा क्या है ग्लूकोमा सर्जरी और हमारा क्या है हमारा कैटारकेट सर्जरी के बाद में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारा बेसिकली हमारा सोडियम फॉस्फेट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट यूज एज, देखो दोनों हमारा पॉइंट किसके है सर्जरी से रिलेटेड है, दोनों पॉइंट हमारे स्टार्टिंग के किससे रिलेटेड है सर्जरी से रिलेटेड है, राइट इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा यूज एज अ माइल्ड लग्जेटिव स्टिमुलेंट्स द एम्प्लॉइंग ऑफ द गॉल ब्लैडर वन ऑफ द मोस्ट पैलेटेबल ऑफ द सलाइन लग्जेटिव। देखो हमारा एज एन लग्जेटिव हमारा यूज हो रहा है, देखो ये आपका क्या रहेगा लग्जेटिव परगेटिव आपका सर्जरी यही सब यूजेस लिख रहेंगे, इनको यूजेस को एक बार पढ़ लेना, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका लग्जेटिव की तरह यूज होगा, सर्जरी पर्पस से यूज होगा आपका और कुछ नहीं है। कहां पे कैसे यूज हो रहा है, हम इसको ओरली लेते हैं, ओरल सॉल्यूशन यूज करते हैं, हमारा बेसिकली कैथार्टिक्स हम लोग किस किस रूट के थ्रू ले रहे थे, ओरली ले रहे थे, और दूसरा यूज हमारा दूसरा रूट कौन सा था हमारा, याद आ रहा होगा जो दूसरा रूट कौन सा था जल्दी बोलो, दूसरा रूट कौन सा था, दूसरा रूट में था हमारा रेक्टल रूट था, याद नहीं रहता तुम्हारे कुछ भी, दूसरा रूट क्या था हमारा रेक्टल रूट था, राइट हमारा ओरल रूट था, ओरल रूट के थ्रू रेक्टल रूट के थ्रू हम बेसिकली हमारे कैथार्टिक्स ले रहे थे ताकि हमारा क्या जीआईटी ट्रैक हमारा क्या हो सके क्लीन हो सके सर्जरी से पहले। जैसे हमारा क्या रहता है कि भाई किसी की मान लो स्टमक की सर्जरी होनी है ना, तो क्या होता है स्टमक की सर्जरी होनी है तो क्या होता है, क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले पेट काट देंगे उसके बाद में अंदर जो खाना है उसको पहले बाहर खाने को बाहर निकालेंगे तब सर्जरी करेंगे, ऐसे करते हैं क्या डॉक्टर, ऐसा करते हैं सुना ऐसा कहीं पे, पहले क्या होता है हमारा क्या है बॉडी हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसको क्लीन किया जाता है, क्या किया जाता है क्लीन किया जाता है, बोलते हैं ना कि ऑपरेशन के एक डेढ़ घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, है ना, या फिर ऐसा बोलते हैं कि ऑपरेशन जब ऑपरेशन होना है तो बिल्कुल पेट बिल्कुल ठूसम ठूस बड़ा होना चाहिए बिल्कुल हेल्थी फील करोगे, ऐसा सुना है। अच्छा याद था तुम लोगों के आंसर तो एक बार के में करते नहीं हो, ऐसा सुना है नहीं कि हम लोगों को किसी का ऑपरेशन होना है डॉक्टर बोले बेटा पेट भर खाकर ना खा गया ना, ठीक है और पानी की बोतल साथ में लेके आना कि सर्जरी करते टाइम को जो डर लगे तो पानी पीते रहना, ऐसा सुना है कभी डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी ऑपरेशन होने वाला है इनका तो कुछ देर तक इनको क्या है एक डेढ़ घंटे पहले इनको कुछ मत खिलाने देना, ठीक है लिक्विड हो सके तो लिक्विड देना अगर जो पानी वानी पीना हो तो, सुना है ऐसा नहीं सुना है, सुना होगा इतना तो, इतने तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है बात समझ में आई या नहीं आई जल्दी बोलो। चलो देखो इसका देखो लास्ट यूज देखो जो इसका मोस्ट कॉमन लिया ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो ये क्या है यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ वाटर हार्डनेस प्रेसिपिटेट एंड कंट्रोल अगेंस्ट इन द माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन। हमारा क्या है देखो कैथार्टिक्स माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन हमारा क्या है एसिडिक सॉल्यूशन होने से क्या कर रहा है हमारा बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा है एजेंट इन माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन हार्डनेस प्रेसिपिटेट फॉर्म होने से। भाई हमारा कैथार्टिक्स का देखो पूरे यूजेस आप लोगों को पता है सारे यूजेस आप लोगों को पता है, अब मुझे एक बात बताओ कैथार्टिक्स हमारा क्या प्रेसिपिटेट बनने देगा या उसको रोकेगा, आप खुद बताओ प्रेसिपिटेट बनने देगा या फिर इसको स्टॉप करेगा रोकेगा इसको खुद बता दो आप यस और नो, प्रेसिपिटेट बनने देगा कैथार्टिक्स या फिर रोकेगा, यानी कि क्या हमारा और स्टूल को हार्ड होने देगा या फिर उसको सॉफ्ट करेगा, यानी कि क्या है वॉटर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे H2O जो है उसका प्रेसिपिटेट बनाएगा स्टूल को हार्ड करेगा फिर इस प्रेसिपिटेट को बनने से हमारा रोकेगा स्टॉप करेगा, वेरी गुड सिंपल सी बात है, वही चीज यहाँ पे घुमा फिरा के बोल दी गई, वही चीज हम लोगों ने पहले दिन ही बोल दी थी कि हमारा हमारे जो कैथार्टिक्स रहेंगे वो हमारे रिटेन करेंगे वाटर को ताकि कि इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल हार्ड हो गया है वो सॉफ्ट हो सके,
यहाँ पे हमारा जो प्रेसिपिटेट वॉटर का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको क्या करेगा कैथार्टिक्स, स्टॉप करेगा, क्या करेगा उसको स्टॉप करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा उसको, ताकि हमारा क्या जो वॉटर मोइटी है जो हार्ड ना हो जाए प्रेसिपिटेट बन के और हमारा स्टूल हार्ड ना बने। अब स्टूल हार्ड बन जाएगा तो उसको बॉडी से निकालने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा स्टॉप भेजा, मुझे लगा गुस्से वाला भेज दे मुझे, मुझे लगा आज मेरे पास किसी बच्चे ने गुस्से वाला। अब देखो कैलोइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलोइन टर्म, ये वाली टर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग लाइट कैलोइन और हैवी कैलोइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमारा कैलोइन दो प्रकार के होते हैं, एक लाइट कैलोइन एक हमारा हैवी कैलोइन, ठीक है जी। हमारे दो प्रकार के कैलोइन होते हैं, एक हमारा लाइट कैलोइन, सेकेंड वन इज अवर हार्ड कैलोइन, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का बीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे जो कैलोइन लिखा हुआ है, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये मैंने लिखा हुआ था पिछले बैच को पढ़ाया था, ये सारी चीजें पिछले बैच को पढ़ाई थी लिख लिख के, फिर बेंटोनाइट आ गया, चलो कोई बात नहीं, कैलोइन को हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे। कैलोइन में मोस्टली आपकी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का पिछले वाले बैच के हैं जिनको हम लोगों ने लिख लिख के बताया था, ठीक है। ओके कैलोइन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल हम लोग कैलोइन और हमारा एंटी माइक्रोबियल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी पता क्यों होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में थोड़े बहुत मैं आपको जैसे आपका पोटेशियम परमैंगनेट आएगा वहां पे, आपका एंटी माइक्रोबियल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट मेरे पास अवेलेबल है तो उसका कलर वलर चेंज करके दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल करके, ठीक है। कल पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल क्यों होता है वो हम आपको कल को लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि पर्पल होता है या नहीं होता है। हाँ कैलोइन भी बेंटोनाइट भी कल ही डिस्कस करेंगे यार, मैंने वो क्या बोला कि कैथार्टिक्स कल खत्म करेंगे, ठीक है। कल की क्लास की टाइमिंग मैं निकिता मैम से भी कंसल्ट करके कि निकिता मैम किस टाइम क्लास लेगी, उस हिसाब से मैं दोनों क्लासेस का टाइम आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगा कि कल आप लोगों की कौन कौन सी क्लासेस होगी, ठीक है बेटा। कल दोनों क्लासेस का आपका टाइमिंग अपलोड करा दी जाएगी कि आपकी कल दोनों कौन कौन सी क्लास होगी, जी कितनी भी क्लास हो, चारों सब्जेक्ट की हो सकती है, दो की हो सकती है, तो आपकी जो जो सी भी क्लास होगी, ठीक है, आप लोगों का बेटा कल हम लोग अपलोड करा देंगे, ठीक है जी। नहीं तुम्हारे अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। निकिता मैम ने टाइमिंग बताई है क्या? अच्छा निकिता मैम की क्लास 9 से 11 होगी, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं निकिता मैम से बात कर लूंगा, और निकिता मैम अगर जो 9 से 11 ले रही है तो हम 12 से 2 ले लेंगे, हम 12 से 3 ले लेंगे, बताओ दादा। अगर जो निकिता मैम की क्लास चलती है 9 से 11 है ना, अगर जो निकिता मैम की क्लास चलती है 9 से 11 तो हम मिलेंगे फिर ऑन 12, फिर हम लोग 12 बजे मिलेंगे। चलो मैं अभी टाइमिंग डलवा देता हूँ दोनों क्लासेस का, ठीक है, चलो। चलो आज की मोटिवेशन सुनो, चलो एक शायरी हो जाए, चलो लास्ट में तुम लोगों के एक मोटिवेशन शायरी, ठीक है। अरे यार संडे को ऑफ कैसे रहेगा यार, मतलब यार मतलब हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो तुम हमारे साथ नहीं दे रहे हो, ऐसे साथ छोड़ दोगे सनम तो कैसे मजा आएगा। चलो सुनो, चलो चलो सुनो, अब ध्यान से सुनो। खुद से जीतने की जिद है मेरी, क्या? खुद से जीतने की जिद है मेरी क्योंकि मुझे खुद को हराना है, खुद से जीतने की जिद है मेरी क्योंकि मुझे खुद को हराना है, ठीक है। क्या है अब आप लोगों की लड़ाई आपके खुद से है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की क्योंकि मेरे अंदर खुद एक जमाना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है खुद से फाइट करना है, अगर जो आपने खुद को खुद हरा दिया तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। अगर जो आपने खुद को ही हरा दिया, अगर जो आपके मन ने बोल दिया कि कल तो कुछ और था और आज तो कुछ और है,
तो दुनिया की आपने सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल किया उस टाइम पे बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को अब खुद की जंग खुद से है कि पहला रीजन देखो, खुद की जंग खुद से कैसे है, इन दी सेंस मैं बोलता हूं कि आपके 12th में 75% आए, 12th में 75% आए तो इस बार 80% लेके आओ। खुद को ही हराया ना, खुद को ही हराया, ठीक है, तो इस बार 85% लेके आओ, ठीक है। तो खुद से क्योंकि कभी किसी देखो दूसरों से कंपेयर मत करो, कभी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करोगे तो खुद ही खुद को ही दुख मिलेगा, है ना। दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो उससे मोटिवेशन लो। जैसे देखो मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं, मैं तुम लोगों से कुछ ना कुछ सीख के जाता हूं डेली। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे पास आंसर नहीं है तो मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता कि मेरे पास इस चीज का आंसर नहीं है। मैं उस कल अगले दिन उस क्वेश्चन को तैयार करके आता हूं ताकि तुम लोगों को मैं बता सकूं। जो मुझसे नहीं आता नहीं आता भाई, अब मैं उसको तुम्हें बोल दूं कि बेटा अब तुमने पूछ लोगों कि सर तारे कितने संसार में, मैं बोलने लोगों कि 100 तारे हैं, तो गलत ज्ञान गलत है, विनाश काय है अधूरा ज्ञान या फिर गलत ज्ञान। तुम भी सबको बोलोगे हाँ हमारे सर ने बोला था 100 तारे होते हैं, है ना। जब नहीं पता तो सॉरी नहीं पता बेटा मैं कल देख के बता दूंगा, बहुत बार ऐसा हुआ भी है। इसमें इसमें ऐसा तो है नहीं कि बुरा मानने वाली कोई बात है, भाई नहीं पता तो हम उससे भाई देख के बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, जो चीज नहीं पता है, जो चीज पता है वो बताते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को भी कभी भी किसी से ये मत सोचो तुम्हारा छोटा है बड़ा है क्या है, कि घमंड वाली भावना कभी मत लेके आना, ठीक है। लगता है कि छोटे किसी छोटे से सीखने को मिल रहा है तो सीखो। मैं तुमने हमेशा क्या बोलता हूँ कि राइटिंग छोटे भाई की कॉपी से करो, छोटे भाई की बुक उठा के लो, छोटे बहन की बुक उठा के लो। क्यों? कि भाई वो सीख वो टाइम तुम लोगों ने नहीं सीख पाए, अब सीख लो उनकी किताबें उठा करके, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो और ये भी है कि आपको कोई टॉपिक तैयार है तो आप बोलो हाँ मेरे से तो आता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गलत है वो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे कोई टॉपिक तैयार है कॉलेज में जाओ, किसी से अगर जो वो टॉपिक नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता तो बोलो मैं तेरे को बताता हूँ यार क्यों टेंशन ले रहा है तू, या फिर मैं तेरे को बताती हूँ यार क्यों टेंशन ले रही है तू, मेरे से आता है, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, नहीं आया तो भाई वो अलग बात है, पर आपने कोशिश तो की, एटलीस्ट आपका एक बार रिवाइज हो गया वो टॉपिक, है ना। तो अपनी ये सारी चीजें आपको डेवलप अभी से करनी है ताकि 4 साल बाद जब आप फॉर्मेसी करके लिख लो तो आपको आपके रिलेटिव आप सारी दुनिया बोले कि यार आज से 4 साल पहले क्या था और आज क्या हो गया, बिल्कुल परिवर्तन है, ठीक है। अरे हाफ नॉलेज लाइक 5 फन वाला कोबरा, ठीक है। तो कभी भी चीजों को जो मैं तुमसे बोलता हूं कि तुमसे मान लो आज कोई आंसर नहीं बन रहा तो उस आंसर को ये नहीं है कि हमें छोड़ देना है कि ये क्वेश्चन आज नहीं बना तो आज कोई क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, मैं अब नस काट लूंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भैया, अगली बार कोशिश कर कल उसे बता पाए क्वेश्चन को, है ना। और इज्जत बेइज्जती देखो अपने हाथ में होती है भाई, जिसके देखो मैं किसको यहाँ किसको मैं जलील करता हूँ, जो टेस्ट नहीं देता। देखो मैं किसकी जलील करता हूँ, जो टेस्ट नहीं देता, जो जिस बच्चे को 2 नंबर आने में उसकी भी तारीफ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे तो बेकार वो है जिसने टेस्ट भी नहीं दिया, कम से कम उसने युद्ध में उतर के युद्ध तो लड़ा, 2 योद्धा को मारा तो 2 नंबर तो लेके आया, अब उसका क्या क्या वाहवाही करे जो कभी युद्ध में गया ही नहीं। तो हथियार फेंक दे लो, हम जाते ही नहीं युद्ध में। उस राजा की कभी कोई तारीफ करेगा? नहीं, राजा की उसकी तारीफ होगी जो युद्ध में लड़ने गया, कि बोलेगा कि इतनी कम प्रजा होने के कारण भी ये भिड़ गया आगे। तो सन की लोग इतिहास रचते हैं, बुद्धिमान लोग तो इतिहास को फिर पढ़ के पढ़ाते हैं। सन की लोग थे, न्यूटन सन की था, लो देगी अब सारी दुनिया उसको पढ़ा रही है, वो कहां से, वो बुद्धिमान है, पागल लोग इतिहास रचते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो सन की बन के पढ़ना मजे मजे में, देखो मजे मजे में हो जाएगी फॉर्मेसी में, तुम्हें गारंटी देता हूँ अच्छे परसेंट से हो जाएगी, टेंशन वेंशन मत लेना, डोंट फेयर वेन आई एम हियर, ठीक है। कोई दिक्कत होते कोई इश्यू होते एग्जाम टाइम में हम लोग 24 घंटे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, अभी भी है, किसी को मैसेज वैसेज आता तो हम रिप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मैसेज नहीं है, देखा मतलब क्लास में, देखे क्लास में पूछ लीजिएगा हमसे, पर यहाँ मैसेज वैसेज मत कीजिए हमारे पास, अरे हमने पर्सनल नंबर दिया है अपना, हमारे को टीम मेंबर भी कॉल उठाता है तो देन बोलना सीधा कि पुलिस सर से बात करनी है, वो सीधा बात कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए क्लास के बाद में नहीं बात करनी हमसे, हमारा एटीट्यूड है ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो मजे में मस्त मोलाव करके पढ़ने का, ठीक है। अरे एक्टिंग करनी पड़ती है तुम लोगों को तभी तो समझ में आता है, और सीरियस टीचर की तरह तुम्हें पढ़ा, देखिए हमारी क्लास में पढ़ाते टाइम कोई नहीं बोलेगा, आखिरी की 5 मिनट में हम डाउट सेशन ऑन रखेंगे तब बात करने का हमसे, ठीक है, और क्लास के क्वेश्चन क्लास में पूछने का, क्लास के बाद नहीं पूछने का, ऐसे टीचर बन जाऊं तुम लोगों के लिए, अरे तुम्हें समझ में ही तभी आता जब तुमसे मजे में मस्ती में बात होती है, ठीक है। चलो ठीक है, देन आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, अरे सब इंक्लूड रहोगे यार, न्यू बैच तुम्हारे लिए यार तुम सब इंक्लूड, देखो न्यू बैच हो ना हो आगे चल के 70 बैच लॉन्च हो, 70,000 लॉन्च हो, 70 लाख लॉन्च हो, पर जब तक तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारी लाइव क्लास बंद नहीं होगी, बस तुम उस पे ध्यान दो, कोर्स क्या लॉन्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे तुम लोग टेंशन मत लो, कि तुम लोग कभी ये सोच रहे होगी नया कोर्स लॉन्च हो रहा है अब उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक कोर्स को ज्वाइन कर लिया बस, अब जब तक एग्जाम नहीं होते इसी कोर्स में लाइव क्लास चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो देन आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, थोड़ा सा मूड भी आप लोगों का फ्रेश हो गया होगा, जो थोड़ा कॉलेज वॉलेज में फर्स्ट स्टेट होंगे, ठीक है, तो मूड ठीक हो गया होगा, थोड़ी बहुत हंसी वसी भी आ गई होगी, ठीक है। चलो तो देन आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में, टाइमिंग में अपलोड करा दूंगा अभी विद इन हाफ या फिर आधे घंटे में भी टाइमिंग अपलोड करा दूंगा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ओके, बी मोटिवेटेड एंड स्टे स्टडी ऑन योर फोकस योर स्टडी, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू, और जिसने टेस्ट नहीं दिया टेस्ट दे लेना, जिसने टेस्ट नहीं दिया टेस्ट दे लेना, बाय बाय।